नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 7 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं जय बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार झारखंड की सरकारों ने कैबिनेट की बैठक के जरिए कई अहम फैसले लिए। दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर बिहार कैबिनेट की है, जिसमें सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। कैबिनेट के फैसले के तहत अब बिहार में आईएएस की जगह आईपीएस भी जेल आईजी बन सकते हैं। साथ ही नीतीश सरकार ने विमान खरीदने की बजाय जेट एयरवेज से करार कर सेवा लेने का फैसला लिया है। दूसरी तस्वीर झारखंड कैबिनेट की है, जिसमें 38 मामलों पर मुहर लगी। रघुवर सरकार ने विद्युत वितरण निगम को 200 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सभी लोगों का राशन कार्ड बनाने का फैसला लिया। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 38 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें विद्युत वितरण निगम को 200 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सभी लोगों का राशन कार्ड बनाने का फैसला लिया। रघुवर सरकार ने औद्योगिक नीति के तहत टाटा मोटर्स को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक रियायत देने का फैसला भी लिया है। सरकार के फैसले के तहत अब सरकारी पदाधिकारी अपनी गाड़ियों में नीली बत्ती लगाएंगे। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 200 करोड़ रुपए जेसीएफ से दिए गए। राज्य आकस्मिकता निधि से 200 करोड़ रुपए का बजट उत्पन्न करने की स्वीकृति दी गई। सरकारी वाहनों में नीली बत्ती लगेगी। सरकारी वाहनों पे रंगीन जो बत्ती के प्रयोग के संबंध में पूर्व में अधिसूचना थी, ये लाल बत्ती और उसके अलावा पीली बत्ती लगती थी, तो लाल बत्ती जैसे है उसके साथ जहां पीली बत्ती लगती थी वहां नीली बत्ती लगी। बीजेपी नेता राम माधव के आरक्षण पर दिए गए बयान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तंज कसा है। नीतीश ने कहा कि बीजेपी आरक्षण के मसले पर संविधान से अलग व्यवस्था चाहती है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि चुनाव के मद्देनजर बीजेपी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। आरक्षण के विरोधी हैं और घुमा फिराकर अपनी बात करेंगे। समीक्षा की बात करके अंतिम गतवा, और जो सबसे बड़ी बात है कि संविधान से इतर कोई व्यवस्था ये लोग चाहते हैं। अभी चुनाव है ना, लालच दे रहे हैं। दूसरे राज्य में भी चुनाव है तो लालच दे रहे हैं। बिहार में जैसे लालच दिए ना, क्या किए? कुछ नहीं किए। काला धन लाएंगे, गरीबों के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, नौकरी देंगे, और बिहार सरकार के जितना स्कीम था उसमें कटौती कर लिए पैसा के। बात बिहार के सियासी गलियारों की। एलजेपी के प्रधान सचिव सत्यानंद शर्मा के मुताबिक एलजेपी, आरएलएसपी और हम का विलय होगा। विलय के बाद नई पार्टी का गठन होगा। नई पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की कवायद होगी। दरअसल वैशाली में एनडीए के 3 प्रमुख घटक दलों के नेताओं की बैठक हुई थी। राजधानी पटना से दूर ये बैठक हम के प्रदेश अध्यक्ष वृषिण पटेल के गांव, उनके फार्म हाउस पर हुई थी। भोज के बहाने आयोजित बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान, आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान इकट्ठे हुए थे। सभी नेताओं के बीच बंद कमरे में घंटों गुफ्तगू हुई थी। राष्ट्रीय राजनीति की अनिवार्यता है कि छोटे छोटे जितने दल हैं सबों को मिला करके एक बड़ा दल बने। अभी राष्ट्र सबसे ऊपर है, देश सबसे ऊपर है, दल बहुत छोटा चीज है। तो राष्ट्र जिन चीज़ों को मांगता है उन चीज़ों को दलों को देना पड़ेगा। उसी परिवेश में अभी एक प्रयास शुरू हुआ है कि लोजपा, रालोसपा, हम बिहार में मिल करके एक बड़ी पार्टी के शक्ल में उभरे। हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वृषिण पटेल ने विलय की बातों पर मुहर लगा दिया है। उनकी माने तो जल्द ही विलय को लेकर फैसला हो सकता है, क्योंकि समान विचारधारा के बावजूद बटे होने के कारण बिहार को काफी नुकसान हो रहा है। सवाल है, हम लोग तो अभी एनडीए के साथी हैं, लेकिन
हम लोगों की स्थिति कमजोर है, तो हम अपनी स्थिति जब मजबूत करेंगे तो हम अपने पार्टनर को भी मजबूत करेंगे और बिहार को भी मजबूत करेंगे। और जो रीजनल छोटी छोटी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इकट्ठा हुए, उन लोगों में ये सहमति बनती थोड़ी नज़र आई कि हम लोग अगर एक ताकत बन जाएं तो बड़ी बात हो सकती है। तो इंतज़ार कीजिए थोड़ा कि इसको ये सरजमीन पे कब आए। बोला कि अटकलों के बीच हम के अध्यक्ष शीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार के मौजूदा सियासी हालात के मद्देनजर एकजुट होने का फैसला लिया गया है। बीजेपी से अलग होने के सवाल को मांझी ने सिरे से खारिज कर दिया। भाजपा को साथ लेकर के बिहार सरकार के विरुद्ध में कैसे गोलबंद हुआ जाए, ये सब पर चर्चा नहीं। बीजेपी बड़ी पार्टी है, उनका कार्य समिति की यहाँ बैठक चल रही थी, इसलिए हम लोगों ने उचित अवर जो बैठक होगी उसमें वो भी रहेंगे। एनडीए के तीन घटक दलों के विलय को लेकर सियासी कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी और आरएसपी ने एनडीए में दरार से इनकार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने तो संभावित विलय की खबर की जानकारी नहीं होने की बात कही है, लेकिन आरएसपी का मानना है कि सियासत में विकल्प खुला रहता है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो समाचार मैंने देखा कल, सभी लोगों ने एनडीए को मजबूत करने की बात कही। मुझे लगता है कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में थे और वहाँ सहयोगी दल के जो नेता हमारे बैठे हैं उन लोगों ने एनडीए को मजबूत करने के संबंध में बातचीत की। स्वाभाविक है बैठेंगे तो भोज भात तो होगा ही। आपको जानकारी क्यों नहीं थी? बैठे होंगे लोग, बातचीत किए होंगे लोग, और मैंने बयान देखा है, सब लोगों ने कहा कि एनडीए को मजबूत करने की बातचीत हम लोगों ने की है। देखिए, सबसे पहले तो है कि राजनीति में सभी का दरवाज़ा खुला हुआ है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हम और माननीय रामविलास जी की लोजपा, तीनों ने मिलकर बिहार के संदर्भ में जो राजनीतिक का अभी का समीकरण है और जो बिहार की जनता की क्राइसिस है, उस क्राइसिस पर एक बैठक की और बात की। और राजनीति में बीजेपी का साथ होना नहीं होना ये कोई मायने नहीं उठता है। हम एनडीए में हैं, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, एनडीए से अलग हटने का कोई बातचीत नहीं है। तीनों दलों ने आपस में बैठकर किसी सवाल को लेकर अगर बात किया तो ये राजनीतिक स्टंट मीडिया के लिए हो सकती है, पार्टी के अंदर किसी भी तरह का, एनडीए के अंदर किसी भी तरह का मतभेद नहीं है। बिहार में भविष्य से खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। बच्चे जो देश के भविष्य होते हैं उनके हक की राशि पर डाका डालने की खबर सामने आई है। बिहार से छात्रवृत्ति के जो पैसे छात्रों के पास पहुंच रहे थे वो बिचौलिए के पास पहुंच रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के मिली भगत से एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। अब विपक्ष पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। पटना जिला शिक्षा कार्यालय के इस दफ्तर से ही रची गई एक बड़ी साजिश, और देखते ही देखते बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए रखी गई 48 लाख रुपए की राशि गबन का शिकार हो गई। ये सारा खेल हुआ डीपीओ के जाली दस्तखत वाली छात्रों की सूची से। जांच कराया गया। प्रथम दृष्टया जो क्लर्क इसमें दोषी थे उन पर डीओ साहब की अनुमति से उनके सस्पेंशन के लिए लिखा गया। पहले तो स्पष्टीकरण पूछा गया, स्पष्टीकरण में उन्होंने जो दिया जवाब अपना उसमें उनकी संलिप्तता उजागर हुई। उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग का किरानी अयोध्या जी है, उसके कहने पर हम ऐसा किए। तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की गई, डीओ साहब से अनुमोदन लेकर के उनके ऊपर FIR कराया गया, उनके सस्पेंशन के लिए RDD को लिख दिया गया, सस्पेंड भी कर दिए गए और फिलहाल चल रहे। बच्चों के भविष्य से हुई इस साजिश का खुलासा पटना के एक बैंक से पैसा निकालने के दौरान हुआ। जब जांच हुई तो सब चौंक गए। छात्रवृत्ति की राशि उन स्कूलों और गांवों के नाम से भी निकाली गई जो कहीं नहीं है। साजिश करने वाले जिला शिक्षा और जिला कल्याण कार्यालय के कर्मचारी निकले। विपक्ष ने अब CBI जांच की मांग कर दी। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि बिहार में छात्रवृत्ति के नाम पर एक बड़ा घोटाला हो रहा है और ये घोटाला बहुत विस्तार लेने वाला है, कि एक जिले की बात नहीं, पूरे बिहार में फेक नाम से छात्रवृत्ति लोगों की ली जा रही है और बड़े पैमाने पर रैकेट काम कर रहा है। सरकार ऐसे रैकेटियर को बचाने की कोशिश कर रही है,
मेरा डिमांड है कि इस पूरे घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सूबे के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने भी मामले की जांच की घोषणा कर दी है। ये वेलफेयर विभाग से रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा से भी रिलेटेड ही कहा जा सकता है, क्योंकि छात्रवृत्ति देता कल्याण विभाग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लड़कों का और विद्यालय का ये तो कहीं ना कहीं होगा, तो इस पर जांच चल रही है और जो लोग इस पर दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि पटना में दिया गया है और भी कहीं ऐसा कि उन्होंने कर्मचारी और जो पदाधिकारी हैं उनसे मिली भगत में कुन और कहीं किया कि नहीं, इस पर जाँच चल रही है। इसके खुलासे के बाद डीईओ दफ्तर के एक कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया है, लेकिन उन गरीब बच्चों का क्या होगा जो पैसे के अभाव में अपने भविष्य को अंधकार में जाता देख रहे हैं। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदीप यादव ने कहा कि गोड्डा में कौड़ियों के भाव उद्योगपतियों को जमीन दी गई, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही आरोप लगाया कि अकेले अडानी ग्रुप को 7,500 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्रदीप यादव ने गठित कमेटी पर भी सवाल खड़ा किया, साथ ही इस मसले पर राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात की बात कही। जेवीएम ने 7, 8 और 9 अप्रैल को गोड्डा में जन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कि इतना बड़ा किसी व्यक्तिगत कंपनी को लाभ पहुंचाना 7,000-8,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ से ऊपर का लेन देन इसमें हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच होनी चाहिए और अविलंब उस पुराने दर को पुनर्जीवित करना चाहिए और संथालपना में जमीन के बदले जमीन मिले उस दिशा में भी सरकार को प्रयास करनी।